हेलो चिल्ड्रन, यहाँ पे हम आपका आज का लेसन 12 नंबर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बच्चों। इससे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन के टेबल सीखे हैं बच्चों, अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको दिया है फर्स्ट मेथड में, और सेकंड मेथड में हमें लैटिस की मेथड दी गई है बच्चों। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस दिया गया है। सो टेंस आपको पता है, टेंस मीन्स 10। ओके, सो यहाँ पे उसके मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 10 मीन्स टेकिंग 10 टाइम्स दैट नंबर, राइट। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 5 को 10 टाइम लेंगे तो नंबर बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। सो अगेन ये ऐसे ही सॉल्व करना है, ये हमारा रेगुलर मेथड हुआ मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे बच्चों आपको लैटिस मेथड दी गई है, लैटिस मेथड। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर द लैटिस मेथड। सो यहाँ पे लैटिस मेथड क्या है समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 23 बाय 2, अगर 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लैटिस मेथड में तो वो कैसे होगा। सो यहाँ पे ये दो कॉलम यहाँ पे हमने बनाए हैं, मीन्स हमें बना के दिए हैं। यहाँ पे 23 था तो उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है 20 और 3। सो ये 20 क्या है तो 2 टेंस है, 3 जो है वो यूनिट है, राइट। सो यहाँ पे ये 2 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया है। ओके, सो 22 जा 40 और 2 20 जा 40 ऐसे होता है, एंड 3 2 3 जा 6 और ये दोनों की एडिशन मिला के बनता है नंबर 46। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर आएगा 46। ओके, सो अगेन हम अगर ऐसे ही एग्जांपल सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको वैसे ही लैटिस मेथड दी गई है। यहाँ पे सीधा मल्टीप्लिकेशन है, रेगुलर मोड में हम करते हैं वैसा। 4 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 का पहले 0 एज इट इज़ लिखेंगे और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 4 5 ज़ा 20 तो 200 आंसर आएगा। और यहाँ पे ये जो 3t और 3t है मीन्स क्या, ये टेंस है, राइट। 3 टेंस मल्टीप्लाई बाय 3 टेंस कितने होते हैं, 9 टेंस। 3 3 ज़ा 9 टेंस। देन यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 700 होंगे। 4 टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 टेंस 8 टेंस। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 टेंस। ओके, सो ये नंबर क्या बनता है, 80। ये नंबर बना है यहाँ पे 90। ओके, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 20 तो 400। सो इसी वे से हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं है बच्चों। और भी हमें यहाँ पे ये लैटिस मेथड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है मल्टीप्लिकेशन के लिए, बहुत इजी है। देखिए 42 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इस नंबर को हम यहाँ पे एक्सपांड कर लेंगे। 42 जो है 40 और 2 दूसरे कॉलम में लिखेंगे। सो दोनों के नंबर को क्या किया हमने, एक्सपांड किया, इस नंबर को अलग अलग लिखा, राइट। और उसके बाद ये जो 3 है ये यहाँ पे लिखा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 40 120, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। ओके ओके, यहाँ पे भी सेकंड वाला भी वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए 51 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 51 को हमने एक्सपांड किया 51, राइट। और ये जो 6 मल्टीप्लायर है यहाँ पे लिखा, सो 6 50 मल्टीप्लाई बाय 6 300 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। सो आंसर यहाँ पे ये दोनों का यहाँ पे एडिशन किया, 300 प्लस 6 306। सो टोटल आंसर आया 51 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 306। ओके, ऐसे ही आगे के भी सम्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 10 सो 40 आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 7 का टेबल 10 टाइम आएगा 70 आएगा, राइट। 50 का टेबल 10 टाइम आएगा 500 आएगा, और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 5t बोला है, सो 6 5 ज़ा 30, सो 30 टेंस मीन्स 300। ओके, और 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 टेन ज़ा 90। सो यहाँ पे भी वही लैटिस मेथड यहाँ पे हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। 37 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 37 को एक्सपांड किया 37 और 8 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आया 240, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर आया 56। तो ये दोनों आंसर की यहाँ पे एडिशन करने हैं, आंसर आएगा 296। ओके, और यहाँ पे आंसर लिखा 296। ओके, आगे का भी सम सेम इस वे से हमें सॉल्व करना है।
यहाँ पे बच्चों सेम वे में आपको वैसे ही सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे आपको थोड़े बड़े डिजिट दिए गए हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए 26/13, सो 13 डबल डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया गया है। सो सेम वे में हमें करना है, ये जो 26 नंबर है उसको एक्सपांड किया 20 और 6 किया, और ये जो 13 था उसका 10 और 3 उसको भी एक्सपांड किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इससे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, 20 मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा 200 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा 60। ओके, एंड उसके बाद ये सेकंड नंबर का करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60 आया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 आया। सो यहाँ पे ये जो आंसर के नंबर्स हैं, यहाँ पे वो टोटल नंबर यहाँ पे लिए हैं हमने, और उसका एडिशन करके आंसर आएगा 338। तो हमें ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया था बच्चों, हमने जस्ट समझा कैसे किया है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमें करना है, डबल नंबर दिया गया है 43 मल्टीप्लाई बाय 23। सो 43 को हम एक्सपांड करेंगे 40 और 3 में, 23 20 और 3 में 23 को एक्सपांड करेंगे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के नंबर आएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लायर आएंगे, तो 20 और 40 का मल्टीप्लिकेशन आया 820 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आया 30, राइट। कैसे मल्टीप्लाई किया बच्चा, 300 आएगा और 326 आएगा, 326। तो ये ऐसे आपको पता है अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सो यह अभी ये 3 ने 40 को मल्टीप्लाई किया, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 3 3 9। तो ये चारों नंबर हमने यहाँ पे टेबल में लिखे हैं और ऐड किया, आंसर आया हमारा 989। यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया है आंसर। ओके, सो सेम वे में यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 62 दिया गया है, 60 और 2 अलग अलग किया, 13 नंबर दिया था, 10 और 3 13 अलग अलग किए, और ये पहले 10 से इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 3 से इन दोनों को करेंगे। ओके, पहले 10 का करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 60 600 आया, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 आया। ओके, सो यहाँ पे भी 60 मल्टीप्लाई बाय 3 180 आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आया। तो ये चारों नंबर को यहाँ पे लिए और उनका एडिशन हमारा आया 806। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 62, ये जो ऊपर दिया गया है 62 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 806। यहाँ पे भी सेम बच्चों देखिए, यहाँ पे 32 मल्टीप्लाई बाय 14 है, ये भी सेम वे में हमने यहाँ पे किया है, आंसर 448 आया है। यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 27 आया, सेम वे में हमने सॉल्व किया, ऐड किया और हमारा आंसर आया 13 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल टू 351। ओके, यहाँ पे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। ओके, मल्टीप्लाई करना है बच्चों, यहाँ पे देखिए टेंस यूनिट एज यूजुअल हमने सीखा है, टेंस यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे आता है, यूनिट लास्ट में आता है। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 आया है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 4 8 और 2 2 4, तो यहाँ पे 48 आंसर आया। यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई बाय 4 दिया है, 4 2 8 88 आंसर आया। यहाँ पे 31 मल्टीप्लाई बाय 3 दिया गया, 3 1 3 और 3 3 9 93। सो अगेन ये सारे मल्टीप्लिकेशन आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं। यहाँ पे बच्चों आपको कैरी करना है नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के नंबर डिजिट डबल डिजिट आ रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पे 5 5 25 आता है, तो 25 का लास्ट नंबर 5 यहाँ पे लिखा और आगे का 2 नंबर जो है यहाँ पे कैरी किया हमने। ओके, सो 5 1 5 और ये 2 7, यहाँ पे 75 आंसर आया। यहाँ पे भी सेम वे में क्या करना है, 24 मल्टीप्लाई बाय 3 दिया गया है, 4 3 12, तो लास्ट का नंबर यूनिट का यहाँ पे लिखा, टेंस का यहाँ पे आया। ओके, सो 3 2 6 और 6 और 1 7, 72। तो आगे के भी सम आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पे भी बच्चों, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिए हैं आपको, सेम वे में आपको वहाँ पे भी कैरी करके सॉल्व करना है। ओके, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों आपको 100 प्लेस भी दिए गए हैं, वैसे ही करना है, डबल डिजिट आए तो यहाँ पे देंगे। ओके, सो 100 प्लेस का भी मल्टीप्लिकेशन वही आएगा। फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज़ 95, हाउ मच विल 6 मीटर ऑफ क्लॉथ
कॉस, तो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है और उसको टेबल की फॉर्म में लिखा और देन सॉल्व हमने किया है यहाँ पे। तो देखिए क्या किया है यहाँ पे, 95 जो क्लॉथ की कॉस्ट है, राइट, 1 मीटर क्लॉथ की जो कपड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 95, तो यहाँ पे लिखी 95। और 6 मीटर लेना है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, हाउ मच वी हैव टू पे, सो 6 यहाँ पे लिखा। ओके, सो इनका मल्टीप्लिकेशन हम अभी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में डालेंगे, 95 ये कॉस्ट है, 6 मीटर कपड़ा यहाँ पे लगने वाला है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 6 5 6 30। ओके, सो 30 का 0 यहाँ पे आया और 3 हमने यहाँ पे कैरी किया है। ओके, सो 6 9 जा ये 3 जो कैरी किया था ना, 54 और ये 3 57, तो टोटल आंसर हमारा आया है 570, इतनी कॉस्ट टोटल होगी। तो आगे के भी क्वेश्चंस आपको वैसे ही सॉल्व करने हैं बच्चों। देखिए मैं रीड करके बताती हूँ आपको, 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹40, हाउ मच विल बी 3 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट, मीन्स 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज़ है, तो 3 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी होगी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। सो टेबल के फॉर्म में 40 × 3 किया, उसमें इन्फॉर्मेशन डाली कॉस्ट ऑफ द 1 लीटर मिल्क एंड 3 ये क्या है, 3 लीटर मिल्क है। ओके, टोटल आया हमारा 120। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया बच्चों, देखिए 3 0 3, अगर कोई भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर 0 ही आता है। सो 0 × 3 0 आएगा और 4 × 3 4 3 12, तो 120 द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर मिल्क। सो आंसर हमारा क्या आया, द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 चिल्ड्रन इन अ रो, हाउ मेनी इन 7 रोज, तो 25 चिल्ड्रन जो है ये एक रो में है, तो 7 रोज में कितने हुए, तो 25 × 7 किया है, तो आंसर आया 175। तो कितने हैं, 175 चिल्ड्रन इन 7 रोज। हाउ मच विल 6 towels कॉस्ट एट ₹53 towel, मीन्स एक towel की जो कॉस्ट है वो 53 है, तो 6 towel की कितनी हुई, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन में डाला है हमने और हम मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आया 380, तो आंसर आया ₹318 कॉस्ट फॉर 6 towels। यहाँ पे भी वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं बच्चों, देखिए मैं आपको रीड करके बताती हूँ, मेक यूर ओन प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्व देम। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई, 48 पोमोग्रेनेट्स इन 1 बॉक्स 7 बॉक्सेस। ओके, एक बॉक्स में 48 पोमोग्रेनेट है, तो 7 बॉक्सेस में कितने होंगे, तो उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है, देयर आर 48 पोमोग्रेनेट्स इन 1 बॉक्स एंड देयर आर 7 बॉक्सेस, सो हाउ मेनी पोमोग्रेनेट्स इन ऑल, तो टोटल पोमोग्रेनेट कितने हुए, तो 48 × 7 336, ये टोटल पोमोग्रेनेट हुए सारे बॉक्सेस में जितने हैं वो 336 है, तो पोमोग्रेनेट्स इन ऑल बॉक्सेस। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, 16 toys कॉस्ट ऑफ इच टॉय इज ₹10, अगर 16 toys है और उसकी एक की कीमत ₹10 है, तो वर्ड प्रॉब्लम हमें यहाँ पे बनाना है, इन अ शॉप देयर आर 16 toys एंड ईच ऑफ टॉयज कॉस्ट ₹10, सो हाउ मेनी टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज, तो 16 × 10 किया, 160 इसका आंसर आया, तो कॉस्ट ऑफ ऑल टॉयज। नेक्स्ट, 15 trees इन अ 1 row, 9 rows आर देयर, वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे बनाया है, इन अ फार्म देयर आर 15 mango trees इन 1 row, देयर आर 9 rows, सो हाउ मेनी मैंगो ट्रीज इन ऑल, मीन्स एक फार्म है जहाँ पे 15 mango trees एक रो में है, तो टोटल 9 rows होंगी, तो कितने मैंगो ट्रीज होंगे, तो उनका मल्टीप्लीकेशन किया 15 × 9, सो 135 आंसर आया। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 book ₹36 7, तो 7 books की कितनी हुई, इन अ बुक शॉप्स, इन अ बुक शॉप शॉपकीपर, यहाँ पे लिखेंगे शॉपकीपर सोल्ड 1 book एट ₹36, ही सोल्ड 7 books टू द कस्टमर, वॉट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स, तो उसने 36 रुपीज़ की एक बुक सोल्ड की है, तो ऐसे इसने 7 books को कस्टमर को सोल्ड किए हैं, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, सो 36 × 7 करेंगे, तो 252 आंसर आएगा।
ओके। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी लिखनी होती है कि कौन सा नंबर आपने कहाँ पे लिया है। सो इससे आपको मल्टीप्लिकेशन की आइडिया आ गई है बच्चों, अभी आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय।